नाउ द थर्ड ग्रुप वॉज बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट. उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया? दे डिमांडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेशियो. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इंडस्ट्रियलिस्ट ने खूब पैसा कमाया क्योंकि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़ हटा दी गई थी और वार वेपन्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे. लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद फिर से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, तो बिज़नेस कम्युनिटी ने, बिजनेसमैन ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसलिए पार्टिसिपेट किया कि उनकी जो डिमांड है वो पूरी होगी. सो दे सेट अप एन इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1921 एंड फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927. दे सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसके फेल होने की वजह से उनका इंटरेस्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ख़त्म हो गया, कम हो गया. इसीलिए जब दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई तो बिजनेस क्लास ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. द नेक्स्ट ग्रुप वॉज वर्कर्स. वर्कर्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड और पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट. लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स वॉज देयर इन दिस मूवमेंट बिकॉज क्लोजनेस ऑफ कांग्रेस विद बिजनेस कम्युनिटी. क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ कांग्रेस के क्लोज कॉन्टैक्ट थे, इसीलिए वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम रहा. दे एंगेज इन सम सॉर्ट ऑफ बायकॉट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस, बट कांग्रेस रिलेक्टेंट टू इंक्लूड देयर डिमांड्स, फियरिंग अलाइनेशन ऑफ इंडस्ट्रीज.